अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डेजर्ट किचन। आज हमारे किचन में बन रहा है जबरदस्त सा चना पुलाव, और ये मेरे घर की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। खासकर ये अब्बू की बहुत फेवरेट है, और जो मेरी हेल्पर है नाजलिन, उसकी बहुत ही फेवरेट, बहुत खुश हो जाती है वो जब ये चना पुलाव बनता है। और ये इतनी सिंपल इजी रेसिपी है ना गाइज, और एक बार जब आप बनाएंगे तो इसे बार बार बनाएंगे। अच्छा, जो लेफ्ट ओवर चने होते हैं वो इसे बार बार गर्म करके खाने में मजा भी नहीं आती ना। और ये चने की रेसिपी जो है गाइज, हमने ऑलरेडी आपको दे रखी है चना मसाला की रेसिपी, उससे डिलिशियस और सिंपल चने की रेसिपी आपको नहीं मिलेगी, प्रॉमिस है हमारा। तो गाइस चलिए देखते हैं कि ये चना बना कैसे। बाय द वे, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरी रेसिपीज बेझिझक ट्राई करिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी मतलब आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए हमें चना पुलाव के लिए। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही घर वाले सामान आपको चाहिए, कुछ अलग से नहीं चाहिए। सबसे पहले तो चना पुलाव है, तो ऑब्वियसली हमें चने चाहिए, जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2 बोल होंगे हमारे पास ये। और चावल जो नॉर्मल घर में बासमती राइस होता है ना, या आप जो भी चावल बनाते हैं, बहुत फैंसी आपको लॉन्ग ग्रीन राइस की जरूरत नहीं है, कोई भी अच्छा पुराना चावल जो होता है वो ले लीजिए आप। हमने 3 कप राइस लिया है, 2 बोल हमारे पास चने हैं। अच्छा, 3 अंडे हमने बॉईल कर दिए, भी ये टोटली ऑप्शनल है। अंडा अगर आप डालना चाहें ना, प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक्स ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। इससे लुक और टेस्ट दोनों अच्छा लगता है, लेकिन ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसे हम चने पुलाव में ऐड नहीं करेंगे, बस फ्राई करके ऊपर से गार्निश करेंगे। और तड़के के लिए हमें एक प्याज हमने फाइनली स्लाइस किए, इसे फ्राई करके हम निकाल लेंगे। हरी मिर्च भी हम तड़के में ही डालेंगे। और पुलाव का मसाला ऑब्वियसली जो खड़े मसाले जाते हैं, जिसके बिना पुलाव हमारा फ्रेग्रेंट नहीं बनेगा, तो उसके लिए हमें चाहिए 1 तेज़पत्ता लिया है हमने, 1 स्टार एनीज ली है, 1 सिनेमन स्टिक का टुकड़ा ले लिया है, 1 ब्लैक कार्डमम है, 2 ग्रीन कार्डमम यानी 2 हरी इलायची ले ली हमने, 3 लौंग, 3 से 4 काले मिर्च और सौंफ। तो ये सारे हमारे मसाले हैं। तो गाइस, क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं, तो हम पुलाव देसी घी में बना रहे हैं। पुलाव का और देसी घी का बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। वैसे बॉयल में भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप घी में बनाएं, लेकिन ऑब्वियसली घी में टेस्ट बेटर आएगा। तो घी को हम पहले मेल्ट कर लेते हैं अच्छे से। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, घी में अनियंस ऐड कर लेंगे और उसे गोल्डन करेंगे। तो ये गाइस देखिए, हमने प्याज डाल दिया है, घी गर्म हो गया अच्छे से, हमारी प्याज फ्राई हो रही है। तो इसको कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली प्याज को अच्छा सा गोल्डन फ्राई करके हमें प्याज को निकाल लेना है। तो पहले हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, प्याज अच्छी सी गोल्डन हो गई, तो हम इसे स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेते हैं, ताकि ये जले नहीं, एक साथ सारी आ जाए। तो इसे हम टिश्यू पे निकाल के रख लेते हैं, इसे पुलाव के ऊपर से डाल के खाएंगे। अंडे को अब हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं घी में। प्याज फ्राई करने के बाद ये स्टेप ऑप्शनल, अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते तो ये स्टेप आप हटा दीजिएगा। प्याज फ्राई करने के बाद सीधे खड़े मसाले डाल दीजिएगा। तो हम अंडों को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि टेस्ट अच्छा आता है। फिर इसे हल्का सा गोल्डन कर लेते हैं, अंडों पे हल्का सा कलर आ गया ना, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसके साथ आपको कुछ नहीं करना, बस पुलाव के ऊपर आपको स्लाइस करके या फिर जैसे भी आपको पसंद हो कट करके ऊपर से हम सर्व करेंगे इसको। ये सारे खड़े मसाले जो हमने आपको पहले से दिखाए थे ना, जो निकाल के रखे हुए थे, ये हमारा अच्छा गर्म है, तो फौरन ही इसमें मसालों का फ्लेवर आ जाएगा। और साथ में हम डाल देते हैं हरी मिर्चें, क्योंकि हमें हरी मिर्चें का भी फ्लेवर चाहिए थोड़ा सा। और हरी मिर्चें भी अगर ऑप्शनल है, अगर चने में ठीक ठाक मिर्च होती है, अगर आप मिर्च नहीं खाना चाहते या कम खाते तो ये हरी मिर्च अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में। तो बस ज्यादा हरी मिर्चों को लाल करने की जरूरत नहीं, फिर फौरन ही मैट कर देंगे चने, और थोड़ा सा इन सब चीज़ों को घी में फ्राई कर लेंगे, ताकि सारे गर्म मसालों के फ्लेवर चने के साथ इंक्रीज हो जाए, घी का टेस्ट आ जाए सारा। तो 2 मिनट इसे भून लेते हैं बस, फिर चावल डालेंगे और प्रेशर लगा देंगे। तो 2 मिनट भूनते चना देखिए हमारा अच्छे से घी में फ्राई हो चुका है, घी देखिए दिखने लगा है। तो हम इस टाइम पे चावल जो है इसे ऐड कर देते हैं। और चावल में कितना पानी रहेगा गाइस, ये आपको मैं फिर ठीक बताते हैं, ये जो अम्मी ने हम लोग को सिखाया है, जो नॉर्मल रोज डेली चावल बनता है ना, उस चावल के लिए अभी आपको बताते हैं कितना पानी इसमें होना चाहिए। पहले सब चावल इसमें डाल देते हैं अच्छे से। सो गाइस देखिए, हमने चने में पानी डाल दिया। अच्छा, ये पानी हम बता रहे थे आपको ना कितना डालेंगे। तो गाइस ये जो उंगली होती है ना, उंगली का जो 2 पोर होता है, एक इधर एक दूसरा वाला, इतना चावल में पानी होना चाहिए, तो आपका चावल बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो हम आपको नाप के दिखाते हैं। आपने अंकल रॉजर की वीडियो देखी है, वो भी यही ऐसे टेक्निक बताते रहते हैं कि एशियन कुकिंग में चावल हम ऐसे नाप के बनाते हैं। तो ऐसे उंगली अपने हाथ धुल साफ सुथरा धुल लीजिए, और उसे चेक करने के लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन मेजरमेंट है। तो इसे ऐसे हम नाप लेते हैं, और बस फिर नमक आप लास्ट टाइम चेक कर लीजिए कुकर की में विसल लगाने से पहले। तो गाइस देखिए, पानी आपने देख लिया है, नमक इस टाइम चेक कर लीजिएगा, मेरा नमक बिल्कुल परफेक्ट है गाइस। तो उसको हम बस 1 विसल लगाएंगे। अच्छा, मेक श्योर करिएगा कि थोड़ा फैला हुआ बर्तन यूज करिएगा, कोई कंजेस्टेड बर्तन में चावल बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। तो हम सिर्फ और सिर्फ 1 विसल के लिए पकाएंगे, फ्लेम फुल का इंतजार करते हैं। कुकर भी हमने प्रेशर लगा दिया गाइस, और सिर्फ 1 विसल फुल फ्लेम पे रखिएगा, और 1 विसल दे दीजिएगा और फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा।
और उसको रेस्ट करने दीजिएगा चावल को, जब तक खुद से प्रेशर नहीं निकल जाता ना, फिर आपका चावल बहुत खिला खिला बनेगा। तो हम कुकर को सीटी देने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो देखिए कुकर ने ये पहला विसल बस दे ही जा रहा है, तो हम फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे। देखिए कुकर ने पहले सीटी दे दीजिए, तो हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसे रेस्ट करने देते हैं जब तक अपने से प्रेशर रिलीज नहीं हो जाता, तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। मिलते हैं आपसे कुकर का प्रेशर रिलीज होने के बाद। सो गाइस ये देखिए प्रेशर कुकर का रिलीज हो गया है। कुकर खोल के देख लेते हैं कि चावल कैसे लग जाएगी। सो खोलते ही बड़ी मजे की खुशबू आई गाइस। देखिए हमारा चावल बिल्कुल खिला खिला बढ़िया से बनकर तैयार है। तो इसको खोलने के लिए आप फ्लैट चम्मच का यूज करिएगा, नहीं तो चावल सारे टूट जाएंगे। इसे अच्छे से खोल लेते हैं और बस फिर आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं। सो गाइज हमारा खूबसूरत शानदार डिलीशियस सा चना पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है ना, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा लजीज होगा। सो जाएं बनाए खाएं, प्लीज़ कमेंट टू द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।